जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सालासर धाम, मेहंदीपुर धाम। हनुमान जी के हाथ में दो चीजें हैं, लाल लंगोटो हाथ में घोटो, 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 लाल लंगोटो हाथ में घोटो। कुछ कह रहे हैं हाथ में घोटो, कुछ कह रहे हैं हाथ में सोटो। घोटा है, कौन बजा रहे हैं, कौन बजा रहे हैं? बाबा जी, ओ बाबा जी, केड़े में कहीं और बज रहा है? कौन बजा रहा है? खड़े तो भाई। भाई मैं बहुत कमजोर आदमी हूं संगीत के मामले में, मेरा सलेंसर वैसे ही खराब है, इसको मत बजाना प्लीज, हाथ जोड़ के। ये कान बड़े कान सुरीले हैं, मैं सुरीला नहीं हूं, कान सुरीले हैं बस। प्लीज छेड़ना मत बिल्कुल भी, सीखने के लिए मैं अलग से बुलाऊंगा तुझे, घर पे आऊंगा, उसका अलग सिस्टम है, वो फिर बताऊंगा। फिलहाल अभी सिस्टम इनका चल रहा है बंसल वालों का, इनको कैंसिल मत होने दे, चलने दे। लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो हाथ में घोटो। दो चीजें हैं, घोटा और सोटा। घोटा कुबेर भगवान ने दिया कि जिस पर भी प्रेम से रख दोगे उसके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, और जोर से रख दोगे उसके घर में लक्ष्मी कभी आएगी नहीं। और सोटा, सोटा पाकिस्तान के लिए दिया साहब, अभिनंदन को इसीलिए, एयरफोर्स अभिनंदन को इसीलिए पाकिस्तान ने जल्दी भेज दिया, बोला इसको भेज दो, अगर वो आ गए तो लंका फूक के चले जाएंगे। लाल लंगोटो हाथ में घोटो, लाल लंगोटो हाथ में घोटो, एक हाथ उठे और ये मुट्ठी बंद हो, एक हाथ उठे और मुट्ठी बंद हो, और भरोसे के साथ कहना थारी 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 थारी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, मैं बारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, बलहारी। जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी, जय हो पवन कुमार, मैं बारी जाऊं बालाजी। हे बालाजी महाराज, जो उठाए दोनों हाथ आप पकड़ लेना उनका हाथ, और जो बजाए ताली बारह महीने बनाए दिवाली, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा, बोलो साला सरधाम की। रक्षा करते हैं बालाजी, जरा ताली बजे। मुझे पता नहीं चलता है संग संग चलता है, ओ मुझे पता नहीं चलता है संग संग चलता है, साला सर तेरा धाम बना है, साला सर तेरा धाम बना है। एक कोरस बहुत है प्लीज, साला सर तेरा धाम बना है, मेहंदीपुर तेरा धाम बना है, आज दिन कौन सा है? शनिवार, शनिवार का दिन, शनि महाराज का। कौन कौन शनि महाराज की कुदृष्टि से बचना चाहता है? बोले शनि महाराज की,
एक दिन शनि महाराज बोले बजरंग बली मैं सब पे आता हूं, तुम पे भी आऊंगा। हनुमान जी बोले आज बता, आज कोंकोली जाना है। बोले नहीं आऊंगा। अब हनुमान जी भी होलसेलर हैं, जो काम करते हैं थोक में करते हैं। बूटी लेने गए, पहाड़ उठा लाए। अकेली माता का पता लगाना था, लंका फूंक के आ गए। हर काम होलसेल में। बोले अच्छा एक काम करो, चलो सिर पे आ जाओ। अब शनि महाराज गए, बजरंग बली के सिर पे बैठ गए। अब हनुमान जी ने बड़ा सा पहाड़ उठाया और सिर पे रख लिया। अब दो चार मिनट तो शनि महाराज भी कुछ नहीं बोले। पांचवें मिनट बोले महाराज गलती हो गई, छोड़ दो। हनुमान जी बोले अभी तो आए हो, इडली खा के जाना, ऐसे थोड़ी ना जाओगे यार। बोले नहीं महाराज गलती हो गई। हनुमान जी बोले अगर छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तब शनि महाराज ने वरदान दिया कि बजरंग बली जो भी शनिवार को तुम्हारा ध्यान धरेगा उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं आएगी। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर जय श्री बालाजी। साला सर तेरा धाम बना है, साला सर तेरा धाम बना है, मेहंदीपुर तेरा धाम बना है, मेहंदीपुर तेरा धाम बना है, आते भगत अपार। आज तक साला सर कौन कौन नहीं गए, शर्माना मत, जो नहीं गए। हे बालाजी महाराज मुझे एक दो बार चाहे कम बुला लेना, लेकिन जो आज तक साला सर नहीं गए उन्हें साला सर बुला लेना। और जो दरबार में जितने भगत बैठे हैं इनकी हाजिरी भी लगा देना, अगर दोनों हाथ उठाए और अगर ताली बजाएं तो बल्ले बल्ले करा देना। आते भगत अपा मैं मानी जाऊं बालाजी, आते भगत सुंदर लग रहा है। किस किस को लग रहा है, एक बार नजर उतार दो। जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी धारी, जय हो पवन कुमार बारी जाऊं बालाजी। साला सर में तीन चीजें चढ़ती हैं भैया, इसका सराउंड कम कर दो, गूंज कम कर दो। तीन चीजें चढ़ती हैं साला सर में। पहली चीज ध्वजा, किस किस के घर की छत पे झंडा है। वाह जी वाह, एक बार कह दो जय श्री राम, जोर से कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, लगाया करो झंडा। तीन फायदे हैं। पहला फायदा किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी घर को। दूसरा फायदा झंडे उसी के लगते हैं जिसकी विजय होती है। और तीसरा फायदा जब राम जी का झंडा लगा होगा तो घर के आगे से गुजरने वाले को बताना नहीं पड़ेगा ये घर किसका है, पता लग जाएगा ये वही है जिसने अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया। ध्वजा नारियल, ध्वजा और नारियल। बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टरों की रिपोर्टें फेल हो गई, जो कहते थे कुल आगे नहीं बढ़ेगा। साला सर जाके नारियल बांध के आए हैं और अगले ही साल बेटे को लेकर साला सर धाम गए हैं। और तीसरी चीज चूरमा, चूरमा किस किस को बनाना आता है। अरे आपका डिपार्टमेंट नहीं है, सबको आता है। वाह जी वाह, नहीं तो हमारे चंडीगढ़ नहीं बहू ब्याह के आई, सासू ने पूछा तुझे रसोई में क्या क्या आता है, बोले मुझे चक्कर आता है, बोले और, बोले मुझे पसीना आता है, बोले और, बोले गुस्सा आता है, बोले रोटी, बोले वो नहीं आती। लेकिन जो जो भोग लगाएगा बाबा को, सच बताऊं साला सर में 56 भोग लेके जाता है सेठ, पर एक जाटनी अपने हाथे से चूरमा बना के थाली में धर के सिर के ऊपर रख के लेके जाती है। बालाजी महाराज 56 भोग बाद में खाते हैं, पहले वो जाटनी का चूरमा खाते हैं जो अपने हाथ से बना के लेके आती है। कौन कौन भोग लगाएगा, काम करवाना हो तो चूरमे का लड्डू बना देना और बालाजी को भोग लगा लेना, जो काम करवाना हो करवा लेना। दोनों हाथ उठा के, ताली नहीं बजानी, जरा झंडा लहरेगा ये बात, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का। हमारा, मैं वैसे नाम नहीं लेता,
क्योंकि मेरा ध्यान वहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं पिछली बार जब हैदराबाद आया था उसके बाद कीर्तन बंद हो गए थे और खोलने भी मैं ही आया हूं। पिछली बार हमारे वंश भाई ने महाराज जी गुरुजी पधारे, एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो महाराष्ट्र की पावन धरती से। मुझे जहां तक जानकारी मिली 106 वर्ष की आयु हमारे बीच खड़ी है। थोड़ा पीछे हो जाए, 106 वर्ष की आयु हमारे बीच है। एक बार जरा ऐसे हिंदुत्व सनातनी शक्ति के लिए जरा तालियां बजाएं। जहां हमें कमजोर पड़ेंगे वहां ऐसे ऐसे संत आकर हमें आगे लेकर जाएंगे साथ, ऐसे ऐसे संत आएंगे। जोरदार दोनों हाथों से स्वागत हो, जरा लहराते हुए झंडे दिखा दो इन्हें, दोनों हाथ उठा के लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का 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 झंडा बजरंग बली का। दोनों हाथ उठा के फोटो खींचा जरा इनका, दोनों हाथ उठा के ये बा, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। ध्वजा नारियल चढ़ता चूरमा, ध्वजा नारियल चढ़ता चूरमा, ध्वजा नारियल चढ़ता चूरमा, ध्वजा नारियल चढ़ता चूरमा, सिर पे छतर हजार। और छतर कौन से? सोने के। आप सोचोगे सोने के छतर चढ़ाने से ही काम पड़ेगा, तो मेरी तो गुंजाइश नहीं है, तो क्या मेरा काम नहीं बनेगा? प्रेमियों, सालासर धाम में हाथ में बंधी हुई मोली का धागा तोड़कर भी चढ़ा देना कि बाबा अभी गुंजाइश इस छतर की है। जिस दिन सोने के छतर के लायक बना देगा उस दिन डायमंड का छतर चढ़ा के जाऊंगा। क्या बात करता है, सिर पे छतर हजार मैं मारी जाऊं बालाजी, सिर पे छतर हजार मैं मारी जाऊं बालाजी, मैं मारी जाऊं बालाजी बलहारी जाऊं बालाजी, मैं मारी जाऊं बालाजी बलहारी जाऊं बालाजी। धारी 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 भूल गए भूल गए भूल गए, दोबारा मौका देता हूँ, हाथ नीचे, मैं मारी जाऊं बालाजी बलहारी जाऊं बालाजी, जय हो अंजनी कला मैं बारी जाऊं बालाजी। जो सालासर जाते हैं दर्शन करने के बाद मोली बंधती है, किस किसने बंधवाई है? सबने बंधवाई। हमारे चंडीगढ़ का सुनना, इस मोली की शक्ति बताने जा रहा हूं। हमारे चंडीगढ़ का एक भगत चौथी मंजिल से नीचे गिर गया, 1.5 महीने तक कोमा में रहा, हाथ में सिरिंज लगते लगते सिरिंज लगने की जगह खत्म हो गई। जैसे ही डॉक्टर मौली का धागा काटने लगा, भगत खड़ा हो गया, बोला इसे मत काट देना भाई, इसे मत काट देना, यह शक्ति होती है, सनातन धर्म की शक्ति है, बच्चों के हाथ में, बेटियों के हाथ में, अपने हाथ में। महंगे से महंगा डायमंड का कंगन पहन लेना आपको शोभा तो देगा मगर आपकी रक्षा नहीं कर सकता, महंगे से महंगा कड़ा पहन लेना आपको शोभा तो देगा मगर आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस हाथ को उठाना और बोलना बालाजी महाराज, इस हाथ में एक दिन आपका रक्षा कवच जरूर बंधे रहना। दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजा के प्रेम से सिया राम बोलिए, सिया राम सियाराम बोलिए।
ओ सिया राम बोलिए सिया राम। हे बालाजी महाराज, दरबार में जितने भगत आए हैं, मैं इनकी तरफ से आपको अर्जी लगा रहा हूं, मेरा भी तुम संकट काटो, मेरा भी तुम संकट काटो, सब भक्तों का संकट काटो, सब भक्तों का संकट काटो। लाइफ इंश्योरेंस हनुमान जी के भक्तों को वरदान है, एक्सीडेंटल केस में गाड़ी खत्म हो जाएगी मगर भगत का बाल भी बाका नहीं होगा। किस किस को ऐसा इंश्योरेंस चाहिए, ताली बजाकर कहना, मेरा भी तुम संकट काटो, मेरा भी तुम संकट काटो। धारी 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 धारी। हो गया भजन, किस किस को आनंद आया, जरा ताली बजे। मैं मारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, मैं मारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, हरी जय हो अंजनी कला, मैं मारी जाऊं बालाजी, हरी जय हो अंजनी कला, मैं मारी जाऊं बालाजी। खाटू श्याम जी, आप सबने यात्रा करी है, बाबा श्याम को लेके यात्रा करी है, लेकिन पहली बार 19 सितंबर को, दिन रविवार को, हम श्री बालाजी महाराज को सालासर के पुजारियों के साथ एक यार को दूसरे यार से मिलवाने जा रहे हैं। रिंगस से खाटू श्याम जी पैदल यात्रा 17 किलोमीटर की बालाजी महाराज करने जा रहे हैं। गुजरात से रंगोली बनाने वाले आ रहे हैं, जो 17 किलोमीटर तक रंगोली बनाएंगे, बालाजी महाराज का रथ चलेगा। मध्य प्रदेश के ताशे वाले आएंगे, जो आगे नगाड़े बजाते हुए बालाजी महाराज को लेकर जाएंगे। आपको बताने का मेरा मकसद इतना सा कि एक बार इसी समय दोनों हाथ उठा के अपनी हाजिरी वहां दर्ज करा के जरा ताली बजा के प्रेम से जय हो अंजनी का लाल, मैं मारी जाऊं बालाजी, हरी जय हो अंजनी का लाल, मैं मारी जाऊं बालाजी, जय हो अंजनी का लाल, मार तुतुल्य वेगम, जय हो अंजनी का लाल, जितेंद्रिय बुद्धि वादात्मनिष्ठम, जय हो अंजनी का लाल, वादात्मजम मारी जाऊं बालाजी, वानर युद्ध जय हो मुख्यम। सियापति रामचंद्र की अतुलित प्रेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनान अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।